राधिका गौर विद द सेशन नंबर फोर्थ ऑफ योर चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन दिस सेशन वी आर हियर गोना डिस्कस अबाउट वाटर फॉर ऑल। एज यू नो वाटर जो है ऑब्वियसली एक सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और हमारे पास इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की तरह अवेलेबल है, दैट इज अनलिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है। बट जो ड्रिंकिंग वाटर है ऑब्वियसली उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, दैट इज जो प्योर वाटर है हमारे पास कम है। ज्यादातर वाटर जो सीज की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है जो सॉल्टी वाटर रहता है। द थिंग इज दैट हमें वाटर को मैनेज करने की और कंजर्व करने की दोनों की ही रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली वाटर फॉर ऑल मीन्स जो वाटर है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, प्रेजेंट जनरेशन की भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो और जो फ्यूचर जनरेशन हो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, हमें ऐसे वाटर को कंजर्व करके चलना है। तो अभी हम इस सेशन में वही स्टडी करेंगे, वाटर फॉर ऑल। सो द फर्स्ट थिंग इज वाटर। वाटर इज बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर है वो सारी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक लाइफ के लिए एक बेसिस नेसेसिटी है। क्लियर दैट वाटर इज बेसिस नेसेसिटी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ। चाहे पर्सन टेरेस्ट्रियल हो चाहे जो पर्सन है वो एक्वेटिक लाइफ का हो, लेकिन हर किसी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेवरल वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो वाटर है वो काफी टाइप की सेवरल वाटर बॉडीज की फॉर्म्स में प्रेजेंट है, जैसे ओशियंस हुए, रिवर्स हुए, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, उन हर एक वेराइटीज में अवेलेबल है। क्लियर दैट इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेवरल वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर और जो रेन है वो वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्लियर दैट इज जो रेन है उसके थ्रू हमारी वाटर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ गुड रेन्स द फेलर ऑफ सस्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज ड्यू टू। क्या होता है कि हमारे पास गुड रेन है लेकिन उसके बावजूद भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी जो अवेलेबिलिटीज है उसका फेलर रहता है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशियंट वेजिटेशन कवर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो वेजिटेशन कवर ग्राउंड पे अवेलेबल है वो सफिशियंट नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशियंट वेजिटेशन कवर ऑन द ग्राउंड। एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। सिंपली सबसे पहले क्या है कि जो वेजिटेशन कवर है ग्राउंड पे उसकी कमी है, दैट इज जो रेन वाटर है उसको स्टोर, उसको कैच करके नहीं रख पाते हमारे ग्राउंड्स। सेकंड, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। जितनी भी हाई यील्डिंग वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है वाटर का इरिगेशन पर्पस के लिए। क्लियर, इनकी वजह से क्या होता है जो ग्राउंड वाटर सस्टेन अवेलेबिलिटीज है उनमें हम फेलियर हो जाते हैं। The untreated sewage and industrial waste is discharged into the river and lakes, reduce the availability of usable water. जितना भी untreated sewage है, that is वो sewage जिसे हम directly without any उसकी cleaning किए हुए directly हम उसे क्या करते हैं river में flow करा देते हैं, river में pass out करा देते हैं और वहाँ पे reduce कर देते हैं। Clear? Same industrial wastes है, उनको भी हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? जो industrial wastes है जिसमें chemical available है उसको फिल्टर करके तब रिवर्स में डिस्चार्ज करें, बट ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्टली वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है ऐसे डिस्चार्ज को रिवर में डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इट लेक्स दिस रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूजेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो ऐसा वाटर है जिसे हम यूज में ले सकते हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। क्लियर, that untreated sewage and industrial waste is discharged into the river and lakes, reduce the availability of usable water. Now the thing is management of water resources. जितने भी हमारी water resources हैं, हमें उनका management करना होता है. Dams, tanks and canals are used since many years to meet the requirement for both agriculture and daily needs. जितने भी हमारे डैम्स हुए, टैंक्स हुए, कैनाल्स हुए, ये काफी सालों से यूज होते जा आ रहे हैं ताकि जो भी हमारी एग्रीकल्चरल डेली नीड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। क्लियर दैट डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स आर यूज्ड सिंस मेनी इयर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड डेली नीड्स। एंड रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। क्या होता है, जो डैम्स है उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है और हम क्या करते हैं उसे रेगुलेट करके रखते हैं।
ऑप्टिमम क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड इज वाटर ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम क्रॉपिंग पैटर्न भी करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो हम करते आ रहे हैं ताकि जो वाटर है उसे हम कंजर्व रख पाए। क्लियर। अब बात आती है डैम। डैम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्टोरिंग वाटर इन कंजर्विंग वाटर। क्या होता है, दीज आर द बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू होल्ड द वाटर। जो डैम्स हैं ये वो बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम रिवर के अक्रॉस, रिवर के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। क्लियर। दैट दीज डैम्स आर द बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू होल्ड द वाटर। These are a large reservoir of water that ensures the storage of adequate water for different uses. Simply ये क्या होते हैं, ये water के large reservoirs होते हैं जो क्या ensure करते हैं, वो ये ensure करते हैं कि जो water की adequate amount है उसे वो store करके रखते हैं और जो different different uses के लिए हमें water की requirement है वो fulfill हो जाए। Clear? That dams are large reservoirs of water that ensures the storage of adequate water for different uses. अब बात आती है पर्पस ऑफ, पर्पस एंड यूजेस ऑफ डैम्स। जो डैम्स हैं उनका यूज कहाँ हो सकता है, उनका पर्पस कहाँ हो सकता है। फर्स्टली फॉर इरिगेशन। क्लियर। सबसे पहले क्या होता है, जो डैम्स हैं वो इरिगेशन के लिए वर्क में आते हैं। सेकंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स का यूज करके हम हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हमारे सिचुएटेड हैं वो डैम्स पे ही सिचुएट होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्योंकि जो वाटर का फ्लो होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो पोटेंशियल एनर्जी पे वाटर अवेलेबल है उसे काइनेटिक एनर्जी पे लेके आते हैं, वाटर के फ्लो से मोशन करा देते हैं हम टर्बाइन का, जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो पहला हमारा मेथड हो गया इरिगेशन के लिए यूज होते हैं डैम्स। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होते हैं। थर्ड टू कंट्रोल फ्लड्स एज डैम्स स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तभी भी हमारा रेनी सीजन होता है और रेन इतनी हो रही होती है कि जो रिवर्स होती हैं वो अपनी लाइन के ऊपर आ जाती हैं एक, तो क्या होता है जो डैम्स हैं हम उनमें वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर। तो थर्ड क्या हो गया, टू कंट्रोल फ्लड्स एज डैम स्टोर्ड वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देन सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस थ्रू द कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू हमें क्या करना है, वाटर की सप्लाई करते हैं हम काफी ग्रेट डिस्टेंसेस तक, और कैनाल सिस्टम की हेल्प से हम जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। सो दीज आर सम पर्पस एंड यूजेस ऑफ डैम्स। अब बात आती है जब भी कोई डैम हम क्रिएट करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म होती है जो आती है। वो क्या क्रिटिसिज्म है अबाउट लार्ज डैम। फर्स्ट एक तो आती है भाई सोशल प्रॉब्लम्स। वो क्या है, because they displace large number of peasants and travels through compensation. इसकी वजह से क्या होता है, जब भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो काफी लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट एंड ट्रेवल्स को डिस्प्लेस करना पड़ता है। क्लियर। उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट तो ये हो गई, बिकॉज व्हेन एवर वी कंस्ट्रक्ट डैम वी हैव टू डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट एंड ट्रेवल्स इनफ कंपनसेशन। क्लियर। सेकेंड आती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Because they utilize large amount of public money without the generation of proportionate benefits. जो dams हैं, उनमें क्या होता है, उनमें public money का बहुत amount required होता है. That is, they utilize large amount of public money. उन्हें काफी सारा amount चाहिए होता है construction के लिए. और जबकि जो अमाउंट उन्हें चाहिए होता है उनके प्रोपोर्शनेट वो बेनिफिट भी जनरेट नहीं करते। दिस इज द रीजन जो लार्ज डैम्स को बनाने के टाइम पे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट उन्हें एक लार्ज अमाउंट चाहिए मनी का, सेकेंडली वो उतना बेनिफिट भी प्रोवाइड नहीं करते। ऑल्सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, साथ ही साथ में कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफोरेस्टेशन विच लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो काफी सारा डिफोरेस्टेशन हमें करना पड़ता है हमारी अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, डैम्स की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो ये कुछ सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो लार्ज डैम्स को बनाने से रोकती हैं, जो ये प्रेफर करती हैं कि लार्ज डैम्स ना कंस्ट्रक्ट किए जाएं। इज दैट क्लियर टू यू। अब आते हैं हमारी चीज मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। वाटर का मिसमैनेजमेंट क्या होता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हैज लार्जली लेड टू बेनिफिट टेकन बाय अ फ्यू पीपल ओनली। देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सिंपली जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था तो हमने सेशन का नेम डाला था वाटर फॉर ऑल,
इट इज वाटर हर एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन वाटर का मैनेजमेंट कुछ इस बेसिस पे है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं के पीपल्स को तो हाई अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, जबकि कहीं पे लो अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, कहीं पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और कहीं पे वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो वाटर है उसका मिसमैनेजमेंट हुआ है। दैट इज देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। अब क्या होता है, हमें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी स्टडी करना होता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इट मीन्स कैप्चरिंग रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स और कैप्चरिंग द रन ऑफ वाटर इन अ लोकल एरिया। सिंपली वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कोई भी रेन वाटर है, सपोज जब भी रेन गिरती है, रेन फॉल होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेन वाटर को हम कैप्चर कर लें। सेम जो रन ऑफ वाटर है लोकल एरियाज में, जितना भी रन ऑफ वाटर है हम उसे कैप्चर कर लें, उसे अपने यूज के लिए ले सकते हैं, वाटर वेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये होती है हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर? दैट इट मींस कैप्चरिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स और कैप्चरिंग द रन ऑफ वाटर इन अ लोकल एरिया। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? इट एम्स एट साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एंड वाटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। जो वाटरशेड मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक कंजर्वेशन करते हैं सॉयल का और वाटर का इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का और सॉइल का दोनों का ही एक साइंटिफिक कंजर्वेशन करते हैं, और यही हम वाटरशेड मैनेजमेंट के अंडर स्टडी करते हैं। अब बात आती है जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं। तो व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? फर्स्ट, डिगिंग ऑफ स्मॉल पिट्स एंड लेक्स। हमें क्या करना है, कुछ स्मॉल पिट्स या लेक्स को डिग करना है, वहां पे हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। पुट इन प्लेस सिंपल वाटर शेड सिस्टम, हम नॉर्मली एक सिंपल वाटर शेड सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेकेंड, बिल्डिंग स्मॉल अर्थन डैम्स, हम कुछ छोटे छोटे अर्थन डैम्स बना सकते हैं। फोर्थ, कंस्ट्रक्टिंग सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वर्स, हम सैंड के और लाइमस्टोन के रिजर्वर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो सेटअप रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, हम कुछ रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स बना सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है ब्लेजर्स क्या करते हैं, वो अपने जो रूफ होती है वहां पे वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और आफ्टर दैट वो उनको यूज में ले लेते हैं, लाइक दैट क्लॉथ वॉशिंग के यूज में ले लेते हैं, या फिर डिश वॉशिंग के यूज में ले लेते हैं, एनिमल्स के लिए यूज में ले लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सबसे हमने वाटर को थोड़ा थोड़ा करके हमने वाटर को सेव किया, और वाटर को हमने वेस्ट नहीं होने दिया और उसे अपने यूज में ले लिया। इससे हमने क्या किया, वाटर को कंजर्व किया। क्लियर? अब बात आती है, कुछ लोग ग्राउंड में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, इसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं वाटर स्टोरिंग का। सो हियर आर द एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड। जो वाटर ग्राउंड में स्टोर किया जाता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इट डज नॉट इवेपोरेट बट इट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये इवेपोरेट नहीं होता, और जो भी हमारे वेल्स हैं उनको एक प्रॉपर स्प्रेड आउट टू रिचार्ज वेल्स, जो वेल्स हैं उनको रिचार्ज करके लिए स्प्रेड आउट होता है, वो ग्राउंड से जो वेल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? दैट इट डज नॉट इवेपोरेट बट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। दैट इज जितना भी एरिया हमारा प्रेजेंट है उसमें क्या करेगा, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। ऑल्सो इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज लाइक स्टैगनेंट वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड्स। साथ ही साथ में ये कोई भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करता मॉस्किटोज के लिए, जैसे स्टैगनेंट वाटर कलेक्ट करते जब, जैसे आई मीन जैसे पॉन्ड में जब वाटर कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो मॉस्किटोज वगैरह के लिए वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है दैट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज लाइक स्टैगनेंट वाटर कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। जो ग्राउंड वाटर है वो रिलेटिवली प्रोटेक्ट रहता है, जितने भी हमारे ह्यूमन और एनिमल वेस्ट होते हैं उनसे कंटामिनेटेड नहीं होता, उनसे प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर? दैट द ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड द एनिमल वेस्ट। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेस क्वेश्चन इज, मेंशन द नेम्स ऑफ एनी टू डैम्स हूज कंस्ट्रक्शन फेस अपोजिशन। आपको कोई ऐसे दो डैम्स के नेम बताने हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन ने अपोजिशन फेस की। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम्स अप।
So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, Tehri Dam on the River Ganga. River Ganga पे एक Tehri Dam है. First, उसने opposition उसको जब construct किया जा रहा था, तो वहाँ पे काफी सारा opposition हुआ, काफी सारे cases चले. And along with that, Sardar Sarovar Dam on the River Narmada. नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तभी भी वहां पे काफी सारे अपोजिशंस हुए. सो द थिंग इज टेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा आर टू डैम्स विच फेसेस अपोजिशन ऑन देयर कंस्ट्रक्शन. क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया वाटर क्यों रिक्वायर्ड है, उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, वाटर की मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकती है और वाटर को हम हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. दीज वर सम थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.